जीभ दिखाना, इधर देखा सामने, इसमें देखा, बाहर निकाल, बाहर निकाल के देखा बाहर। दोस्तों ये लड़का है, ये लड़का गूंगे बनने की एक्टिंग कर रहा था, गूंगा बहरा बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये हमारे दरवाजे पे आया और ये बोला कि मतलब इसने एक पर्चा दिखाया और उस पर लिखा हुआ है कि ये लड़का गूंगा है, बहरा है, इसकी बहन की शादी होने वाली थी जो कि इसका मकान जल गया और उसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। आप इसको अपनी बहन की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जुटाने हैं, आप 500, 1000, 1500, 5000 जो भी मदद कर सकें वो इसकी मदद करें, ऐसा उस पर्चे पर लिखा हुआ है। 50 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ है इसके ऊपर। अब दोस्तों हमने इसको पकड़ा और इसको जब हमने खूब कहा, इससे इसको डराया धमकाया, तब जाकर के इसने अपनी जबान खोली है और ये बोल भी सकता है, ये सुन भी सकता है, लेकिन पूरा ये ड्रामा जो है वो ठगी का ड्रामा है और इसके पीछे किसका हाथ है पता नहीं। लेकिन आप ये वीडियो देखिएगा, देखिए हम इसमें हम पूरा बताएंगे कैसे कैसे इसने क्या क्या ड्रामा और कैसे नौटंकी करी। बात नहीं है, लोगों को धोखा देके तू पैसे कमा रहा है, किसी दिन है? कोई किसी दिन कोई अच्छी देख, अभी तो हम लोगों ने तुझसे कुछ नहीं कहा, ऐसे ही छोड़ दिया है। जीव नहीं है इसकी, क्या है ये? चार दिन क्या करते हो भाई? ये कहाँ से आए हो? बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अच्छा 200 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस खाते में क्या है? झूठ तो नहीं बोल रहे? बादल नाम कहाँ रहता है, कहाँ रहता है मुझे बोल। आशाबाद में रहता है। किस जगह? 62 में रहता है। सही सी बता। 62 कौन कौन रहता है तेरे साथ? दादी रहती है और मम्मी। और दादी का नाम? और भाभी भाई बता रहा था, भाई छोटा भैया रहता है। दादी का नाम? नाम दादी रहती है और मम्मी रहती है और भाई रहता है। और बाप? बाप नहीं है। बाप कब मर गया? तो काफी दिन हो। कितना दिन हो गए? एक दो साल हो गए। एक दो साल से मर गया। क्या नाम बाप का? बाप का नाम नहीं पता, भगवान की कसम है। मम्मी सबके नाम बता। दादी का नाम क्या? दादी का नाम रोशमा। रोशमा। और माँ का नाम? लता। लता। भाई का नाम? भाई का नाम क्रूज है। क्रूज। अच्छा ये काम कब से कर रहा है? एक दो महीना। झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा। जीभ दिखाना, इधर देखा सामने, इसमें देखा, बाहर निकाल, बाहर निकाल के देखा बाहर। अब ये जीभ काटना किसने सिखाया तुझे? कैसे कैसे करता है दिखाइयो, जब किसी के सामने नौटंकी करता है तो कैसे करता है, कैसे दिखाता है? इधर दिखा, इधर 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 कर लाइट में, इधर कर। ये किसी को दिखाता है तब ऐसे करता है ना? ये तो ये कैसे सीखा? ये आदत पड़ गई बाबूजी, और किसी ने नहीं सिखाया। ये कब से आदत पड़ी है? बचपन से? हां बचपन से, जब छोटे से ऐसे आदत पड़ गई। अच्छा उसका फायदा उठा रहा है। अब ये सही सही बता, तुझसे ये काम कौन करवा रहा है? सच बता दे। भगवान ये तेरा इसमें ये फोटो लगा हुआ है तेरे? ये किसने लगाया? ये देख, ये इसमें लड़की का फोटो लगा, ये लड़की कौन है? ये ऐसे ऐसे ही है, किसी का भी बनाया? ये किसने बनाया तेरा?
काजी कौन काजी था? दादी, दादी बता रहा है। नहीं काजी बता रहा है कौन? काजी दादी। काजी दादी झूठ बोल रहा है तो ये उन्होंने बना के दिया। क्या बोला उन्होंने? तो पहले इससे पहले क्या करता था? तो सब्जी बेचता था, उसमें कितने पैसे पैदा होते थे? तो वो काम क्यों नहीं करता मेहनत का, ये हराम का क्यों करता है? अच्छा ये बता, कहाँ बेचता था सब्जी? कहाँ पे? आसाबाद। किस जगह? वो पुल बन गया ना। हाँ उसी पर बेचता था। अच्छा तो अभी ये मांगने का कहाँ कहाँ जाता है? बस कहाँ पे? कहाँ पर? एक महीना हो गया ना मांगते हुए। एक महीने से कहाँ मांग रहा है? वो आसाबाद के पीछे उधर वो मुसलमानों पर। और कौन कौन मांगता है घर में? तो बाकी का काम, बाकी लोग क्या काम करते हैं? दादी क्या करती है? दादी आटा मांगती है। आटा मांगती है। और माँ? भैया पूछना। घर कहाँ है? झोपड़ी में रहता है। अभी हम चलेंगे देखेंगे जाके। सही से बता कहाँ है घर? सच में हम इस साथ में तुम चल के देखो। झोपड़ी पे से पड़े। झोपड़ी कहाँ पर है? झोपड़ी वो मंगा 62 में तो कोई झोपड़ी है वो इस तरफ। अभी अभी हमने बनाई है। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले यहाँ पर थे। कहाँ पर? आसाबाद की जो नाले गम्मल या गम्मल। हाँ तो ये हाथ पे क्या है फिर तेरे? दिखाना हाथ पे। हाथ खोल। वो क्या है हाथ पे? हाथ पे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है हाथ पे? क्या लिखा है? कुरुटा लव। और ये बाइबल वगैरह क्या है? ये तुझे ये धर्म किसने ज्वाइन करवाया? किसने 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 ईसा मसीह का किसने बताया तुझे ईसा मसीह के बारे में? ईसा मसीह के बारे में किसने बताया? किसने? फास्टर। फास्टर? ये फास्टर कौन है? जो वचन वचन के लिए नहीं होता। पादरी होता। फादर फादर होता है। फादर कौन से फादर ने? कहाँ रहते हैं? तो तू बेटा क्रिश्चियन तो ऐसे काम करते नहीं जैसे तू कर रहा है। नहीं सच्चे कुछ नहीं मानते। विश्वास रखते हैं उनमें। तूने तेरा नाम क्या बताया? बादल। और इस पे लिखा है क्रूस। छोटे भाई का नाम लिखा है। अब क्या करेगा तू? काम करेगा? क्या करेगा? ये तो हम क्या रखेंगे इसको? क्या करेंगे? तू दूसरा बनवा लेगा इसको? तो अच्छा ये बता, अभी देख तेरे साथ भेजेंगे हम किसी को, तो तेरे घर पे जाएंगे ठीक है, और तेरा घर देखेंगे जाके ठीक है, और फिर वो ये देखेंगे कि तू अब क्या काम कर रहा है। अच्छा ये बता, ये मथुरा ये ठेले लगा ले, ये काम तो नहीं करेगा? धोखा देने का काम होता है ये दूसरों को, होता है ना? धोखा नहीं, पेट के लिए धोखा नहीं देते किसी को, सच बोलते हैं, मेहनत करते हैं पेट के लिए। धोखा देते हैं क्या किसी को? ये धोखा देना होगा ना जो तू कर रहा है अभी है? अब नहीं करेगा। अच्छा ये सच बता, ये कहाँ बनवाया? ये मथुरा का बना हुआ तो है नहीं? रोटरी देखो पीछे। रोटरी का कितने रुपए में बना? ये कितने रुपए में बना था? 100 रुपए में। कलेक्टर कचहरी मथुरा। मथुरा मथुरा से बनवाया है। इसका नाम नोट करो, ये किसका है? कलेक्टर कचहरी में एक वो डालेंगे, पता करेगी। क्यों ये लिया किसने? ये किसके नाम से लिया? ये बनवाया कब है भैया? इसी अप्रैल में। ये राजेश कुमार किसका नाम है? तेरा नाम है? अभी तू बादल बता रहा था। नहीं हकीकत में बादल इसमें तो राजेश। किसने लगा? उन्होंने तो तुम्हारा आधार कार्ड देखा होगा ना। जब तूने बताया तभी तो उनने राजेश लिखा। बिना आधार कार्ड के तो लिखेंगे नहीं। अबे हमें ये बता, ये तू लेने गया
तो ये बिना तुझे आधार कार्ड दे के बिना सब कुछ बहन है जिसका नाम सब दे दिया ये सुनीता की शादी के लिए बिना आधार कार्ड दे बिना आधार कार्ड घर में अचानक आधार कार्ड नहीं तो ये फिर कैसे दिया देख अब तू बता रहा है तूने ये बताया कि तेरा एक छोटा भाई है माँ है दादी है और तू है चार लोग हैं घर में है इसमें लिखा है कि तेरी एक छोटी बहन है वो कहाँ से आई सुनीता जिसका नाम है कहाँ गई वो सुनीता किसने लिखवाया था किसने लिखवाया जी तूने इतनी अकल तेरे में कहाँ से आ गई ये बता दादी पहले ये काम करती थी क्या तो फिर दादी को कैसे पता चला इसके बारे में किसने बताया इसके बारे में सच बोल दे ग्रो बता दे अपना कहाँ कहाँ और लोग काम करते हैं तेरे और भी ऐसे ये काम तो कई लोग करते हैं फिरोजाबाद के अंदर मैं मान नहीं सकता मेरे घर पे भी कई बार आए हैं 200, 500, 1100 रुपए कोई पाप नहीं होता क्योंकि सबसे बड़ा दान तो कन्यादान होता है जो अपनी बहन बेटी की शादी में 2-4 हजार रुपए खर्च कर देते हैं उसी तरह गरीब की लड़की की शादी में कन्यादान करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा ये लिखा है इसमें ये इसका दिमाग है नहीं ना इसकी दादी का दिमाग दादी की उम्र कितनी है कितनी उम्र है दादी की 300-400 रुपए सुबह से कमा चुका है अभी सुबह के 11 बज रहे हैं 11 बजे तक 300-400 कमा चुका है और शाम के कितने बजे तक काम करता है घर जा रहे थे नहीं तो नहीं फिर हमारा गेट कैसे खटखटाया नहीं घर जब जा रहे थे तो इसने सोचा ये इस घर से भी देख लिया तो दे तो दिए 10 रुपए और फिर ये आगे तू 11 बजे तक मांग रहा है अगर तू रात तक मांगे शाम तक मांगेगा तो कितने रुपए कर लेगा क्यों नहीं मांगता तो अभी तो तू पकड़ गया इसीलिए मांगता क्यों नहीं वैसे मांगता तो कितने कर लेता नशा भी करता है कोई 1000-2000 रुपए कमा लेता इंजेक्शन के निशान तो नहीं है इसके इंजेक्शन तो नहीं देता है 1000-2000 तो आ जाते हैं तो कितने आ जाते हैं अच्छा ठीक है अगर मांगेगा तो कितने कर लेगा पाँच छः सौ रुपये कमा लेगा शाम तक करेगा तो है 300-400 रुपये सुबह से कमा चुका है अभी घर जा रहे थे अगर नहीं जाता तो कमाता ना नहीं तो और भी लोग देते ना नहीं घर जा रहे सुबह से कितने घर मांगे कितने कितने गिनती 100, 50, 10, 20 पता नहीं कितने मांग चुके फिर भी 10, 20, 50 कितने सौ डेढ़ सौ घर में 300-400 रुपये मिल गए ये बेईमानी का धंधा जो है ये बंद कर नहीं पैर मत छू काम बंद कर दे ये अच्छी बात नहीं है लोगों को धोखा दे के तू पैसे कमा रहा है किसी दिन कोई अच्छी देख अभी तो हम लोगों ने तुझसे कुछ नहीं कहा ऐसे ही छोड़ दिया है ठीक है अगर किसी दिन कोई अच्छा सा पल्ले पड़ गया तेरे हैं मार डालेगा जिंदगी बड़ी है कि क्या चीज बड़ी है बता जिंदगी बड़ी है ना तो फिर इज्जत की खाओ कोई तुम्हारे ऊपर उंगली तो नहीं उठाएगा कम से कम है अच्छे खासे भगवान ने हाथ पैर दिए खासे जवान है लड़का कितनी साल की उम्र है अंदाजा दोबारा बोलना अलीगढ़ का तो है नहीं अलीगढ़ किस जगह का पहले लखनऊ रहता था फिर हमारे दादी दादा लखनऊ रहते थे दादा का नाम क्या था अच्छा जो पैसे देते हैं वो लोग लिखते भी हैं तेरे कॉपी पे लिखते हैं कि हमने ही पैसे दिए तो फिर ये खाता किसका है अभी तो तू कह रहा तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ये लिखे सब ये लिख पचास तो 500 कर देते हैं अच्छा मतलब कोई 50 रुपए देता है तो तुम उसमें 0 बढ़ा देते हो जिससे और कि देखने वाले को ये लगे कि लोग इतने पैसे दे रहे हैं तो हम भी उतने दें और तुम कह रहे हो कि हम पढ़े नहीं है तो 0 और कैसे करते हैं जरा बढ़ाना जरा किसी को बढ़ाना बढ़ाओ किसी को बढ़ाओ कैसे बढ़ाते हो जैसे
ये 100 रुपये हैं और इसको तुमने गोला बना दिया है ना, 1000, ये 1000 कर दिए तुमने। अब तुम लोगों से कहोगे कि ये 1000 रुपये हमने किसी ने दिए है ना, तो तुम लिख तो देते हो ना, इसमें तो लिखा है ना 1100 रुपये, 1100 तक का डिमांड लिखा है ना।